की रस्म अब होने वाली है, शादी को भी इतने दिन बच गया, अचानक ही पगफेरे की रस्म भी हो रही है और कुछ अलग ही सरप्राइजेस के साथ हो रही है, ब्लाइंड फोल्ड वगैरह भी हो रहा है। जी हाँ, मोस्टली जब पगफेरे की रस्म होती है वो होती है शादी के नेक्स्ट डे, जबकि जो दुल्हन का भाई है वो साथ में आता है और फिर मैं उसको वापस घर छोड़ के आता हूँ जो कि ग्रूम होता है। तो बट यहाँ पर उल्टा हुआ है, बिकॉज हमारी शादी के इमिजिएटली बाद एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, महर जी के जो बच्चा है उसका, तो हमारी चीज़ें डिले हो गई। तो अब उनके मम्मी जी ने बोला कि पगफेरे की रस्म करनी ज़रूरी है, तो आप प्लीज़ महर जी को लेके आएँ। बट महर जी कहीं ना कहीं अपने फैमिली से नाराज़ हैं, उनकी अपनी कंडीशंस हैं और वो नहीं जाना चाहती, इसलिए मैं चकमे से प्लान करके परम के साथ उनको लेके जाता हूँ उनके खुद के घर पे। और आगे जाके मुझे पता लगता है कि जो यूवी बीमार था, जो मुझे बताया गया था कि यूवी बीमार है, वो दरअसल बीमार नहीं होता है, तो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था कि मम्मी जी ने एक्चुअल में ये मेरे से झूठ बोला उस उनको लाने के लिए या फिर मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है किसी चीज़ के। फंस तो मैं बहुत फंस रहा हूँ, धस रहा हूँ, बहुत कुछ हो रहा है। कितने ज़्यादा मतलब ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं पगफेरे की रस्म तो ज़ाहिर सी बात है, ड्रामे के तो जी आर शो इज़ फुल ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया होता है, देर आर ऑलवेज वेरी वेरी हाई पॉइंट्स एंड वो इसमें भी हैं। अब पगफेरे की जो रस्म होगी इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, ऑडियंस विल रियली लव इट। कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। जी मैं उनको ये बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो को इतना प्यार दे रहे हो, इतना दुलार दे रहे हो एंड कीप लविंग इट, कीप वॉचिंग इट। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो के लिए और आई होप आपको पसंद आ रहा हो एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच, थैंक यू।